अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा काम है हम इसमें करने जा रहे हैं तीन न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 19 न्यूमेरिकल में आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 न्यूमेरिकल में आ जाएगा और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 22 है ये न्यूमेरिकल में आएगा। तो आज हम इन तीनों न्यूमेरिकल्स को करते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं, यहाँ पे ये कहा गया है कि ऑक्टेन है, रिएक्शन करता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, कंबस्टन है कंबस्टन इंजन के अंदर, कि ऑक्टेन है रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, आगे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ बन जाएंगे वाटर वेपर, सही हो गया। इसके साथ कंबस्टन के दौरान आगे बनता है वो होता है जी एनर्जी, वो एनर्जी इस्तेमाल कर रहते हैं इंजन को चलाने में, लेकिन वहां पर इसने यहाँ पे उसको नहीं लिखा हुआ। अब अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो 2 मोल ऑक्टेन है, 25 मोल ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्शन करते हैं, 16 मोल बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और 18 मोल बना है वाटर। कितना वाटर बना है? 18 मोल वाटर बना है। अब उसका क्वेश्चन जो ए पार्ट है वो ये वाला है कि अगर हम 4 मोल ऑक्टेन यूज करेंगे तो आगे ऑक्सीजन कितने मोल बनेगा, ठीक है ना, सॉरी ऑक्सीजन कितने मोल उसके साथ रिएक्शन करेगा। देखना था गौर से, तो हमने ऑक्टेन यूज किया था 2 मोल, इसके पास 25 मोल रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन, और अगर हम इसको 4 मोल कर देंगे फिर कितना इस्तेमाल होगा। तो जस्ट स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। देखें पहले इक्वेशन को, ऑक्टेन 2 मोल, ये 25 मोल, अगर इसका 1 मोल करेंगे 25/2, और अगर इसके 4 मोल कर देंगे तो 25/4 2 मल्टीप्लाई बाय 4 तो आ जाएगा 50 मोल। अंडरस्टूड है कि इसके 2 मोल इसके 25 के 4 इसके 50 हो जाएंगे, सही हो गया। उसके बाद ये है कि अगर हम ऑक्टेन का हमने इस्तेमाल किया था 2 मोल तो CO2 आगे 16 मोल बना था। अब उसने क्वेश्चन में ये कहा हुआ है बी पार्ट में कि अगर इसका 1 मोल इस्तेमाल करेंगे तो इसका कितने मोल बनेगा। आसान सा, ये 2 तो ये 16, ये 1 8 हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 16 मोल, 1 मोल तो 16/2 तो कितना आ जाएगा, 8 मोल आ जाएगा। अब इसका सी पार्ट है ऑक्टेन और वाटर का, वो कहता है यहाँ पे कि अगर 2 मोल ऑक्टेन इस्तेमाल करेंगे वाटर बनेगा 18 मोल, कितना वाटर बनेगा, 18 मोल बनेगा, और अगर इसके 6 मोल करेंगे फिर कितना होगा। तो उसको किया हुआ है ऑक्टेन 2 मोल वाटर 18 फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अगर उसका 1 मोल 18/2 इसके लिए कितने 6 है, तो 18/2 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ जाएगा, 54 मोल हो जाएगा। इसके बाद उसने कहा हुआ है इसके डी पार्ट में कि आपने फाइंड करना है ऑक्सीजन का मास, क्या काम करना है, आपने ऑक्सीजन का मास फाइंड करना है, और कहाँ से कैसे फाइंड करना है, ऑक्टेन से भी, सॉरी कार्बन ऑक्सीजन का मास आपने फाइंड करना है, साथ आपने ऑक्टेन का मास भी फाइंड करना है। इसका डी पार्ट है, वहां पे ये कहा गया है कि आपने ऑक्सीजन का मास भी फाइंड करना है और साथ आपने ऑक्टेन का मास भी फाइंड करना है। तो मास फाइंड करने के लिए आपके पास मोलर मास है और आपको मोल फाइंड करना होंगे। कैसे, वो ये कर देता है कि जब आपने 16 मोल इस्तेमाल किया था कार्बन डाइऑक्साइड तो आगे ऑक्सीजन का कितना मास इस्तेमाल हुआ है, बस उलट हो गया, इसके मोल से बता दिया कि इसका कितना कितना मास है, इसके 16 मोल फिर आगे इसका कितना मास है, हमने दोनों का मास फाइंड करना है। तो पहले हमारे ऑक्सीजन की जाना, बैलेंस इक्वेशन में इसके 16 मोल है, ऑक्सीजन कितने मोल है, 25 मोल है, अगर इसका 1 मोल होगा 25/16, और हमने CO2 क्वेश्चन में कितने लिए, कितने मोल है, 8 मोल अगर इस्तेमाल करेंगे CO2 तो ऑक्सीजन का कितना मास बनेगा वो आपने फाइंड करना है। इसके 8 मोल इसका 25/16 मल्टीप्लाई बाय 8 तो हमारे पास मोल आ जाएंगे 12.5 मोल। मोल तो हमारे पास आ गए, अब हमें क्या चाहिए, उसका मोलर मास चाहिए। तो O2 का मोलर मास कितना होता है, 400 होता है, तो पुट करेंगे तो हमारे पास जो जब हम 8 मोल CO2 इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन का मास बनेगा वो होगा 400, और 8 मोल अगर इस्तेमाल करेंगे CO2 का तो ऑक्टेन कितना मोल बनाएगा। वैसे फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसके 16 मोल ऑक्टेन के 2 मोल, ये 16 ये 2 मोल, इसका 1/2/16 हम लिए कितने 18 है, 2/16 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना 1 मोल आ जाएगा, ऑक्टेन का मोलर मास होता है 114, तो मोलर मास हमारे पास ये इसका मास आ जाएगा, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास तो क्या आ जाएगा, ऑक्टेन का ये वाला मास आ जाएगा।
और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें हमने N2 का मास फाइंड करना है। क्या काम करना है इसके अंदर, हमने N2 का मास फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है कि अगर ये एक मोल है, ये दो मोल है, रिएक्शन करता है तो आगे बनता है 3 मोल N2 और उसके बाद 4 मोल बनता है वाटर। अब उसका क्वेश्चन ये वाला है कि कितना हमारे पास ये वाला होगा 100 ग्राम, ये वाला होगा 200 ग्राम, N2H4 कितना 100 ग्राम है और N2O4 कितना 200 ग्राम है। तो यहाँ पे N2 का आपने मास फाइंड करना है, सही हो गया। कंडीशंस ने आपको ये दे दी है और साथ आपको कह दिया कि N2 अब कितने ग्राम बनेगा, तो दोनों का मोलर मास कर लेते हैं। N2H4 का मोलर मास होगा 32 ग्राम पर मोल और N2O4 का मास होगा 92 ग्राम पर मोल। ये N2 का कितना होता है, N का होगा 14 मल्टीप्लाई बाय 2, H का होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और उसके बाद O का होगा 16। ये N का है, ये आगे हाइड्रोजन का है और उसके बाद ये है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का कितना है 16 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया आगे मोलर मास का आ गया। मोल दोनों के निकाल लेते हैं, N2H4 का मास कितना है 100 ग्राम, मोलर मास कितना है 32, यही है मास और मोलर मास कितने मोल आ गए 2.125। और उसके बाद हमने जब मोलर मोल्स फाइंड करने N2O4 के, तो मास कितना 200 मोलर मास 32 कितना आ जाएगा 2.17 मोल। अब आपने दोनों रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना है। क्या काम करना है, आपने दोनों रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना है और वो रिएक्टेंट जिसने लीस्ट प्रोडक्ट लाया होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, उसके मुताबिक आप मास फाइंड करोगे। तो कैसे, पहले ये हमारे पास एक रिएक्टेंट ये वाला, इसको इस तरह कंपेयर करेंगे, फिर दूसरा ये वाला इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इस तरह हमारे पास आ जाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट और उसके मुताबिक आपने मास को फाइंड करना है। मैं पहले कंपेयर करता हूँ हाइड्रोजन को N2H4 को, इसके कितने मोल हैं 2 मोल, आगे N2 कितने बना 3 मोल, अगर इसका 1 मोल होगा कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा और हमने N2H4 के मोल लिए कितने है? वो ये वाले हैं, सही हो गया 3.125। तो अगर इसके 3.125 होंगे तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3.125, तो कितना आंसर हमारे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा ये हमारे पास आ गए हैं मोल। किस वक्त के अगर हमारे पास 3.125 मोल होगा N2H4 तो N2 बनाएगा 4.693 मोल, सही हो गया, कितना आ जाएगा 0.693 मोल हमारे पास बन जाएगा N2। अब दूसरे को देखते हैं, दूसरा हमारे पास कौन सा N2O4 है, ये भी 1 मोल, तो आगे N2 3 मोल है, अगर इसका 1 मोल इसके 3 मोल जैसा इक्वेशन में नजर आ रहा है फ्रॉम बेस्ट केमिकल इक्वेशन, और अगर हमने इसके लिए हुए हैं 200 ग्राम इसके मोल इतने थे, अगर इसके इतने मोल होंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ आ जाएगा 6.51। अब एक जो हमारे पास N2O4 है इसने इतने मोल बनाए हैं, ठीक हो गया, N2O4 ने इतने मोल बनाए हैं, N2H4 ने इतने मोल बनाए हैं, तो काम किसने बनाए हैं N2H4 ने बनाए हैं, तो आप लिमिटिंग फिर ये होगा इसके मुताबिक आप मास को फाइंड करोगे। तो क्या काम करोगे, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, N2 का मोलर मास होता है 28, तुम्हारे पास आ जाएगा 131.32 ग्राम, ये आ जाएगा क्या चीज N2 का मास प्रोड्यूस होगा। और इसके बाद इसका जो सी पार्ट, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये वाला है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे ये क्वेश्चन है यील्ड के मुतालिक, आपने परसेंटेज यील्ड फाइंड करना है। अब क्या कहा गया है कि कैल्शियम सिलिकॉन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है कार्बन के साथ, आगे बनता है कैल्शियम सिलिकॉन कार्बाइड, क्या बनता है सिलिकॉन कार्बाइड और साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। वो हमारा क्वेश्चन ही, हमारा पास क्वेश्चन ये वाला है कि आपके रिक्वायर्ड चीज तो ये वाली है, वो तो CO2 वाटर बाई प्रोडक्ट है। उसने ये कहा हुआ है कि अगर हमारे पास इसका 100 ग्राम होगा तो इसका आगे जो कैल्शियम कार्बाइड बनता है वो 51.4 किलोग्राम बनता है। बात समझ आ गई ना, ये ऐसे ही है कि अगर आप एक मन जिस तरह मैंने बताया था बीज डालते हो, आप कह रहे थे हमारे पास एक एकड़ में 50 मन गंदम आ जाती है, 2 मन डालेंगे तो आप अंदाजा लगा के बैठे 100 मन आ जाएगी,
एक मन डालने के बाद आपने सपोज गंदम काश्त की है, आपने एक मन बीज डाल दिया है और आप ये अंदाजा लगा के बैठे हुए हो कि एक मन बीज डालने से हमारे पास 1 एकड़ की जो प्रोडक्ट आएगी वो आएगी 50 मन, सही हो गया। फिर आप सोचते हो कि एक मन तो 50 मन दे रहा है, अगर 2 मन डालेंगे तो 100 मन हो जाएगा, सही हो गया। तो वो आपने सोचा वो क्या थ्रेटिकल यील्ड है, और काटने के बाद आपने तोड़ के ला कि वो आ गई 2 मन डाले से 50 मन 70 मन आ गई, तो आप क्या एक्चुअल है ये उसने आपको एक्चुअल बता दिया है कि अगर मैं 100 ग्राम ये इस्तेमाल करता हूँ, 100 किलोग्राम ये इस्तेमाल करता हूँ तो ये मेरे पास जो सिलिकॉन कार्बाइड प्रोडक्ट बना है वो इतने किलोग्राम बना है, 51.4 किलोग्राम। इन दोनों को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 1000, तो दोनों को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। मोलर मास Si2 का होता है 60 ग्राम पर मोल और SiC का होता है 14 ग्राम पर मोल, सही होगी बात। तो अब आपने मोल्स फाइंड करने हैं SiO2 के, तो मास मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, कितना आ जाएगा हमारे पास आकर मोल, सही हो गया। एक्चुअल में ये वाला है कि जब आप लोगों ने ये इतने ग्राम जब आप इस्तेमाल कर लिया SiO2, इससे फिर कितने मोल बनेंगे, तो आपने मोल फाइंड कर लिए, सही हो गया। अब आप थ्रेटिकल यील्ड की तरफ आते हो, वो जो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड करोगे वो क्या आता है थ्रेटिकल यील्ड होता है। इक्वेशन को देखें, इसका 1 मोल इसका भी 1 मोल, हमने ये से कितने मोल है इतने, फिर उसका में कितने मोल बनेंगे उतने ही बनेंगे। देखो ना हमने SiO2 कितने मोल लिए, फिर आगे SiC के भी उतने मोल ही बनेंगे, सही हो गया। तो हम SiO SiC का आप फिर मैस फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे मैस फाइंड करेंगे। तो मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास SiC का कितना 40 है, करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये जो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड कर लिया ये क्या है थ्रेटिकल है, ये क्या है थ्रेटिकल है। मैं दोबारा फिर बता देता हूं, आपने जब इतने ग्राम डाला ना तो आपके पास इतने ग्राम आया, ये एक्चुअल उसने आपको दे दिया। अब थ्रेटिकल आपने फाइंड करना है, थ्रेटिकल फाइंड करने के लिए आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर जाना पड़ेगा। उसका क्या करना पड़ेगा कि पहले दोनों का आपके पास मोलर मास, और SiO2 का मोलर मास ये वाला, SiC का मोलर मास ये वाला है। अब चूंकि उसने हमें SiO2 का मास दे दिया है तो उसका मोलर मास ये वाला होता है, करेंगे इतने हमारे पास मोल्स आ जाएंगे, सही हो गया। अब वो कहता है इक्वेशन में ये भी 1 मोल है ये भी 1 मोल है, सही हो गया। और जब हमने इतने ग्राम लिया SiO2 तो इसके अंदर कितना फिर मोल इसके कितने होंगे, फिर उसके उतने बराबरी पड़े हुए हैं ना। तो अब हम चूंकि इसका मास फाइंड करने जा रहे हैं मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, तो ये हमारे पास मैस आ गया SiC का, ये कौन सा आ गया ये आ गया थ्रेटिकल, ये कौन सा आ गया थ्रेटिकल आ गया। तो परसेंटेज यील्ड आपने फाइंड करनी है, परसेंटेज एक्चुअल अवर थ्रेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100, एक्चुअल हमारे पास कितना है वो ये वाला है थ्रेटिकल हमारा ये वाला आया हुआ है, ये एक्चुअल उसने हमें पहले दे दिया, थ्रेटिकल हमने खुद कैलकुलेट किया है मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद ही हमारे पास आ जाएगा 77%, इसके रिएक्शन की यील्ड कितनी होगी 77% होगी। तो जी आज हमारा मेडिकल का काम यहाँ पे मुकम्मल हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।